वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो जाना, घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाना और घुटने के कार्टिलेज खत्म हो जाना, हड्डियों में गैप पड़ जाना, इसको माना जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है। बढ़ती उम्र के साथ ये घुटनों का दर्द शुरू हो ही जाता है और डॉक्टर इसके लिए ढेर सारी दवाइयाँ लिख देते हैं। आज हम आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रहे हैं जो दर्द को दूर करेगी, कार्टिलेज को दोबारा बना देगी, आपकी जो सूजन आ गई है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के अलावा भी जैसे युवाओं में, बच्चों में जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों से कटकट की आवाज आने लग जाती है और सुबह उठते ही आपका घुटना हिल ही नहीं पाता, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो इन घरेलू नुस्खों से ये सारी की सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। आपको किसी भी तरह की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पर ही ये सारा सामान मौजूद है और दो ही मिनट में तैयार होने वाला है। लंबे समय से जो आपके घुटनों में दर्द के लिए आप दवाई खाते आ रहे हैं और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, तो आप इस घरेलू उपाय से आसानी से इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। रेमेडी जानने से पहले जान लेते हैं कि ये रेमेडी घुटनों की किस किस तकलीफ को दूर करती है और कैसे ये आपको फायदा पहुंचाएगी। तो सबसे पहली तकलीफ जो घुटनों में शुरू होती है वो है लुब्रिकेंट, जिसके लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि आपके तो घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, वो बनेगी या नहीं इसका नहीं पता, इसका लास्ट इलाज सिर्फ सर्जरी है। दूसरी तकलीफ होती है सुबह उठते ही घुटने मुड़ते नहीं है, कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं। तीसरी है दोस्तों घुटनों से आवाज आना, घुटनों में सूजन सा महसूस होना, घुटने के पीछे वाले हिस्से में एक नाड़ियों का नसों का गुच्छा बन जाना, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं घुटने खराब हो चुके हैं इसके। दोस्तों, ये नुस्खा केवल आपके घुटनों के ग्रीस को ही नहीं बनाएगा बल्कि अर्थराइटिस, गाउट, संधिवात को भी ठीक करेगा। वैसे घुटने दर्द के कुछ कारण भी हैं, ये मैंने आपको लक्षण बताए हैं। जानते हैं कुछ कारणों के बारे में, जैसे थायराइड की समस्या, इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों में खत्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है और कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज वालों के भी घुटने हैं जो वो जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज के कारण नसों में रूखापन आ जाता है, सुन्नपन रहने लगता है। डेंगू के कारण भी घुटने खराब होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपकी आदत रही होगी कि आप छोटी छोटी तकलीफ के लिए एक मेडिसिन खाना, यानी दर्द निवारक गोली खाना, तो भी घुटने भविष्य में आकर खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि वो गोलियों का जो साइड इफेक्ट है वो हमारी किडनी और लीवर पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे जोड़ों पर, हमारे जोड़ों के लुब्रिकेंट पर भी पड़ता है। दो सबसे बड़े कारण जो घुटनों के दर्द के होते हैं वो घुटनों के अंदर टॉक्सिन्स का जमा होना, यूरिक एसिड जमा होना, जिसके कारण आपके घुटने में, जोड़ों में, हड्डियों में घिसावट सी पैदा हो जाती है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जॉइंट है वो सूजने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गंदगी है। दूसरा कारण है घुटनों में पानी भर जाना या इन्फेक्शन हो जाना। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों दिक्कतों को ठीक कर दें तो हमारे घुटने पहले जैसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, जो ये नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ ये इन दोनों की दोनों दिक्कतों को दूर करता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उसमें पहली चीज कौन सी लेनी है। दोस्तों, पहली चीज है हनी, यानी कि शहद। शहद के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, शहद शरीर की कितनी भी सूजन हो उसको खत्म कर देता है। घुटनों की जो सबसे पहली तकलीफ शुरू होती है वो सूजन से ही शुरू होती है, यानी कि स्टिफनेस से ही शुरू होती है, तो शहद जो है वो सूजन को खत्म करता है, जो कि शुरुआती लक्षण होते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। गार्लिक के अंदर बहुत सारी एक रिसर्च हो चुकी है कि ये सूजन को पूरी तरह से दूर करने की क्षमता रखती है, तो इस गार्लिक के गुण एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरे हुए हैं। दोस्तों, इस गार्लिक को जो आपके घुटने हैं उसमें से टॉक्सिन्स यानी गंदगी बाहर निकालने का काम करती है, उनको ये, जिनकी गंदगी जमा हो चुकी है, यूरिक एसिड जमा हो चुका है, उन्हें तो जरूर गार्लिक का सेवन करना ही चाहिए। दोस्तों, गार्लिक का सेवन आपके घुटनों को बहुत अच्छे से चलने में दोबारा सक्षम कर देगा। तो इसे तैयार कैसे करना है, आपने 100 ग्राम की मात्रा में शुद्ध शहद लेना है, इसमें आपने 10 से 12 कली लहसुन की डाल देनी है, छील कर डालनी, काटनी नहीं है, जस्ट छील लीजिए नॉर्मली और इसे डाल दीजिए। कांच की डिब्बी में, किसी भी बॉटल में डालकर शहद डाल लीजिए, उसके अंदर 10 से 12 कली लहसुन की डालकर रख दीजिए, बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, कोई ऐसे नहीं अंधेरे में रखना है या धूप में रखना है, कुछ नहीं है, नॉर्मली रखना है, यानी हमने शहद के अंदर रखा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बॉटल हो वो जरूर कांच की हो। दोस्तों, ये कांच की बॉटल के पीछे रीजन ये है कि किसी और
मटेरियल की बॉटल हम लेते हैं तो उसका मेटल, उसका असर जो है वो उस चीज में, उस औषधि में चला जाता है। तो कांच का ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों आपने 7 से 8 दिन के लिए इसे ऐसे ही बंद करके रख देना है, रोज हिलाते रहिए। बस इतना नहीं है कि चम्मच मार डालकर बीच में से हिलाना है, जो बॉटल होगी उसको हिला देना है, इतना कर लीजिए। अब इसका सेवन कैसे करना है, रोजाना आपने सिर्फ इसमें से एक कली सुबह खाली पेट लेनी है, यानी कि सुबह खाली पेट आपने एक कली ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ। एक कली लहसुन की इसमें से आपने 4 से 5 बजे खाली पेट जब आपका होता है तब आपने एक कली गुनगुने पानी के साथ ले लेनी है। इसे खाने के बाद आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि जो गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं वो आपके घुटनों के इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से घुटने जो जम चुके हैं, टॉक्सिन जमा हो चुका है, वो मतलब बाहर हो जाएगा। चाहे आपको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, तब भी दोस्तों आप इस नुस्खे को अपना लीजिए। उसके बाद सोचिएगा कि ऑपरेशन करवाने की जरूरत है या नहीं। मैं मान सकती हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये नुस्खा वात पित्त और कफ को भी बैलेंस करता है, लीवर को स्वस्थ करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, घुटनों में जब पानी जमा हो चुका है उसको नेचुरल तरीके से बाहर कर देगा, किसी तरीके की किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा नुस्खा जो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बहुत पावरफुल है, वो दोस्तों है अजवाइन। अजवाइन पर भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, इसके अंदर एंटीस्पास्मोडिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसी बीमारी जो हड्डियों से शुरू होकर मांसपेशियों तक जाती है, चाहे कैल्शियम की कमी के कारण जो आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियां उसमें सूजन आ चुकी है, घुटने छूने पर दर्द होते हैं, तो अजवाइन का तेल तैयार कर लीजिए। जैसे सरसों का तेल ले लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच अजवाइन डालकर उसे गर्म कर लिया, तो ये अजवाइन का जो तेल है इससे आपने मालिश करनी है दिन में 2 बार। दोस्तों आप पहले ही दिन में आप अपना घुटनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा, घुटने आसानी से मुड़ने लगे जाएंगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो भी आप जरूर जान लीजिए ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक आपके द्वारा ना हो और आप हेल्दी और तंदुरुस्त रहें। लॉन्ग जो लंबी वॉक होती है वो नहीं करनी, क्योंकि घुटने तो पहले ही डैमेज है या फिर ये कह सकते कार्टिलेज घिस चुकी है, अपना अच्छे से काम कर ही नहीं पा रहे, तो उनसे अगर ज्यादा मेहनत लेंगे तो क्या बनेगा। तो इसीलिए आपके घुटने अभी तैयार नहीं है, अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो कम चलिए, जरूरत जितना चलिए, ज्यादा नहीं चलिए। बैठे बैठे आप योगा प्राणायाम जरूर कीजिए, कपालभाति अनुलोम विलोम ये जरूर कीजिए। इसके अलावा बाजार की जितनी भी चीजें आती है, ब्रेड है, केक है, इन चीजों का आपने बिल्कुल सेवन नहीं करना, जो कि बॉडी के अंदर टॉक्सिंस को बढ़ाती है। तो दोस्तों ये रेमेडी आपने बिना किसी दवाई के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसके फायदे जो है वो दवाई से कई गुना ज्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।